तो गाइज आपने देखा गांव का ब्लॉग आपने देख लिया, और अभी अभी हम लोग गांव से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घूमने। सबसे पहले हम लोग बदानीताल जाएंगे जहाँ पे कलरफुल मछलियाँ होती है, और फिर हम दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ होती है, कलरफुल नहीं तो नॉर्मल मछलियाँ होती है छोटे साइज़ की, वो हाथ पे भी आ जाती है। फिर हम अपने सबसे बड़े मंदिर इस क्षेत्र के वासुदेव के मंदिर में जाएंगे। तो आप हमारे साथ ब्लॉग में आखिर तक बने रहिए। अभी हम लोग काफ़ी चल के आ गए तो सांस फूलने लगी। सबसे बड़ी टेंशन यहाँ पे किस चीज़ की, सौरभ भाई? जोंक तुझे काटा जोंक ने बहुत खून तो उसने आधा मेरा कहाँ लग रखी जूते या तो मैं ले लूँ क्या? तू चप्पल पहन के आता बड़ी खून कमजोर। और गाइस इसने जूते निकाल के उसे दे दिए, ये जोंक से परेशान हो गया, देख खून देखो कितना आ रहा है। गाइस अभी हम लोग कच्ची रोड पे चल रहे हैं पैदल, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा जहाँ पे हमने कल पहले वाले ब्लॉग में गाड़ी खड़ी की थी, क्योंकि इस रोड पे बहुत कच्ची है, ख़राब है, रोड भी टूट रखी है, तो इस पे लाना पॉसिबल नहीं था गाड़ी। और ये रोबिन भाई हमारे आज के हमारे मार्गदर्शक। सबसे पहले कहाँ जाएंगे भाई? चीफ गेस्ट सबसे पहले हम जाएंगे बदानी जी, उसके बाद भाई का चश्मा दिखाया शायद वासुदेव में ये देख नीचे भयंकर, और ये पेथरौला ये देखिए गाइस जंगल देखिए, यही इस जंगल के पीछे मेरा गांव है। जब तक हमारे गांव में रोड नहीं थी ना, वो पैदल का रास्ता था हमारे गांव का, देख कितनी चढ़ाई कितनी उतराई थी, वो देख ऊपर से वो सामने रास्ता दिख रहा है ना, ये चढ़ाई उतराई थी हमारे गांव की। चढ़ते कहाँ थे वो? चढ़ाई नहीं है नीचे से, मतलब क्या हुआ था मेले के दिन, मतलब मेले के दिन 3-4 लड़कियाँ थी ना, वो वहाँ बीच से आ गई और यहाँ तक आई और फंस गए आगे जाने। कौन सी लड़कियाँ थी? 3-4 लड़कियाँ थी, मुझे नहीं पता। ठीक, तो फिर भाई उन्होंने मुझे कहा बचाओ बचाओ, फिर उन्होंने भैया काम तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैंने कहा ये नहीं बोला, फिर उसने कहा कि भाई बचा ना प्लीज, मतलब भैया बोला तो कॉल रिजेक्ट हो गई कि मैं नहीं बचा रहा, फिर प्लीज बोला फिर बचाया। ये देखिए सबसे ऊपर ये घराट है, आप लोग जानते हैं घराट क्या होता है। पिछले ज़माने में अभी कुछ टाइम पहले जब चक्की वगैरह नहीं होती थी पहाड़ों पे, तो घराट होते थे और ये पानी का फोर्स अंदर एक चक्का होता था उसे घुमाता था और फिर गेहूं से आटा बनता था इन घराट में। अब तो खैर चक्की ये काम करती है। अभी गाइस बहुत ज़्यादा धुंध है, अगर ये धुंध ना होती, ये कोहरा ना होता, तो ये फॉग ना होता अगर, तो बहुत बेहतरीन लोकेशन थी, हम बहुत कुछ दिखाते हैं आपको, बट वी आर सॉरी फॉर दिस टाइम। फाइनली काफ़ी ज़्यादा पैदल चलने के बाद हम लोग गाड़ी तक आ चुके हैं, और ये रहे यहाँ पे हमारे धन्नो। अभी हम लोग चलते हैं सीधे पहले बदानीताल, और सबको भूख लग चुकी है, दोनों को भूख लग चुकी है, पहले इन्हें कुछ खिलाऊंगा एक ढाबे में बैठा के, क्या मिलता है पता नहीं। अब ढाबे अभी हम लोग निकल चुके हैं बदानीताल के लिए। सबसे पहले बदानीताल में जाएंगे, वहाँ पे एक ढाबा है छोटा सा खुला हुआ, तो वहाँ पे कुछ खाएंगे, इन्हें भूख लग चुकी है, एंड उसके बाद हम बदानीताल की मछलियाँ देखेंगे और फिर हम लोग जाएंगे डायरेक्ट गेठाना आएंगे। फिर वहाँ हमें चाय समोसे में निपटाना चाह रहे हैं ये हमारे पत्रकार साहब, सोच के आए थे पता नहीं क्या क्या उम्मीदें करके आए थे नीचे से पहाड़ों में, ये हमें ये एडवेंचर करने को मिलेगा। कितनी भूख लगी तुझे? ले समोसा, खुद निकलवा दिया और जान निकलवा दिया। ले भाई अनु समोसा ले ले भाई। ये हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं गाइस, ये देखिए बच्चे, और हमने इनसे बिस्किट मंगाया था कि आप बिस्किट लाओ फिर हम मछुए खिलाएंगे। यहाँ बैठ मैंने अभी सोलह बात करेंगे, पहले आ जा बैठो बेटा। क्या नाम है आपका, क्या नो तुम्हारा? खुशी, खुशी पवार, इना ने तुम राणा चुन। अच्छा यहाँ कितने यही घूम लें तो यहाँ राणा बेटा। हाँ इन्हें राणा चुन और पवार। अच्छा बेटा राणा ना ये पवार ना अन्य आंटी उन्हें क्या चाहिए? पूनम ना कहाँ पढ़ो तुम स्कूल? मैं तीन माँ। ए ना अच्छा मैं वहाँ पढ़ी तीन ना पढ़ दी अब तो कहाँ पढ़ दो ना दी यहाँ पर। ठीक है चीजें दिलाएंगे फिर आपको। क्या नाम है आपका? बड़ा क्या नाम है?
आगे क्या नाम है? आरुषि राणा। आरुषि राणा है। अभी हम लोग तालाब में जा रहे हैं, यहाँ पे कलरफुल मछलियाँ आपको दिखाएंगे। 100 रुपये बिस्किट डालेंगे, फिर देखना कितनी मछलियाँ आएंगी। देखो आप, ये देख रहे होंगे आप, नहीं कलरफुल नहीं है यार, वहाँ मिलेंगे भाई कलरफुल। देखो दो तीन बिस्कुट दे रहा, तो सारे फेंक दे यार। नहीं फेंक रहा मैं, तोड़ तोड़ के फेंक रहा भाई। बच्चों भाई, ओए बच्चों इधर आओ। गाइज अभी हम लोग मंदिर के अंदर एंटर हो चुके हैं, और ये आगे तिरुचि की नारायण का मंदिर है। यहाँ पे छोटा सा जो मेन तिरुचि नारायण का मंदिर है वो कहीं और है। यार बिस्किट यार 100, और यहाँ पर अन्नदाता एक बिस्किट यार, इसे भी रख दे उसके ऊपर है भाई। गाइज अब रोबी भाई मेहनत कर रहे हैं पकड़ने के लिए। कलरफुल मछली देखे गाइज आप, और ये दानवीर करण को पीछे छोड़ते हुए यहाँ पर। गाइज अभी हम लोग बदानी ताल में घूम चुके हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की, मच्छियों को दाना वगैरह खिलाया। ये बच्चे बहुत सारे देखिए, इनके साथ हमने बहुत मस्ती की, फ़ोटोशूट किया। कैसा लगा आपको हमारे साथ? अच्छा लगा, खुशी खुशी लगा। अभी हम लोग जाएंगे गाइज ढाबे पे, जहाँ पे हम लोग चाय समोसा खाया था, और वहाँ पे हम चाउमीन खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है। फिर आगे का देखते क्या रहता है, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है, 2 से ऊपर बज चुके हैं। फिर देखते आप बने रहिए ब्लॉग में। लगा पानी। अरे यहाँ पे ये देखिए मैक्स खड़ी है, महिंद्रा की मैक्स, और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ये गाड़ी यूज होती है, क्योंकि इनका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ की रोड के हिसाब से ये गाड़ियाँ ज़्यादा सक्सेस यहाँ पर मानी जाती है। ये देखिए यहाँ पे सौरभ सही बच्चों को बुलाता हुआ मैगी चाउमीन खाने के लिए। चाउमीन खाओगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना उना पे बैठो, चलो उना पे, है ना। नहीं देखिए गाइज, ये होते हैं अपने गांव के, वो हम इतनी देर से कह रहे थे गए नहीं, वो भाई ने एक बार बोला, दुकानदार भाई ने पार्टी तो कम हो गई है तो बता, चल दिए गाइज ये चाउमीन एंड ये पूरी टीम चिल्लर पार्टी। चाउमीन खा, क्या मेरे सामने चाउमीन खा भाई, गजब लोंडे। दानवीर और तो भाई बेटा अपना कवच कुंडल दे दे, अपने कवच कुंडल दे यार रोहित भाई। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, गुड दोस्तों दोस्तों प्राइम इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, थैंक यू। अभी हम लोग बदानी ताल से नीचे आ रहे थे, और हमारी गाड़ी में जैसे लाउड म्यूजिक बज रहा था, और स्पीकर चूँकि विंडो खुले थे तो आवाज़ बाहर आ रही थी, और ये भाई एकदम नाचने लग गया बाहर। बड़ा कूल बंदा है ये, इसका नाम जानेंगे हम, अब इसका डांस दिखाएंगे। कैसे बुलाती हो नू? अंकुश। अंकुश एक कहाँ पढ़ते? तीन में पढ़ता है। कौन सी स्कूल में? स्कूल में। और गाय जी हिंदी भी बोलता है, और बात करें बिल्कुल शर्मा नहीं रहा भाई, हाथ मिलाया, दोस्त है तुम्हारा। अब गड़बड़ गाना बजा भाई, इससे पूछ भाई नाम यार। गाइज अभी हम लोग बदानी से नीचे गेठाना आ गए, और ये देखिए सामने हमने आप देख सकते हैं गेठाना गांव कितना खूबसूरत है। ये हमने यहाँ पे गाड़ी पार की, और अब हम यहाँ से वहाँ सामने वो मंदिर दिख रहा होगा आपको, अब हम वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पे भी हम आपको मछलियाँ दिखाएंगे, लेकिन वहाँ पे अलग प्रकार की है रोहित भाई। वहाँ पे डिफरेंट प्रकार की। इस ग्राउंड के बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में, इस मैदान में हर साल इसमें क्रिकेट मैच खेला जाता है। आपने कितनी बार खेला यहाँ? हमने यहाँ 2-3 बार खेला, हमेशा हारे हैं, हमेशा हारे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हार कर ही जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब सवाल ये कि क्या आप कभी बाजीगर बन पाओगे? फाइनली हम लोग आ चुके हैं गेठाना में, और ये देखे यहाँ पे सामने है मंदिर। ये अन्न फिर से लग गया मच्छी पकड़ने, आने देखिए भाई हाथ में ले तेरा बिस्कुट दिया, बिस्किट वो है ना सामने डाल। और गाय जी देखे यहाँ पे मंदिर है, भगवान विष्णु नारायण मंदिर 1992 में इसे यहाँ पे बनाया गया था, स्टेबलाइज किया गया था। और ये देखिए यहाँ पे मछली, हाँ मछली पकड़ने के चक्कर में बंदा, मछलियाँ है और पानी देखिए कितना साफ है, कूद के देख पकड़ना चाहिए भाई। ये देख, हाँ देखो तेरे हाथ के आसपास आने की नहीं, वो
गाइस पानी देखिए कितना साफ है और इसके हाथ के आसपास आई नहीं रही मच्छी। ये देखो बच्चा क्या करना चाह रहा था। गाइस अभी मैं और अनु पानी के अंदर जाएंगे और मच्छी पकड़ चैलेंज करेंगे, ठीक है भाई? ओके ब्रो, बिस्किट है। गाइस हम लोग यहाँ पे खड़े थे, मच्छी यहाँ भाग गई और भाई इतना ठंडा पानी है, ध्यान दीजिए। आराम से पकड़े, देख मंडी नीचे नहीं मरेगी यार। ये देखिए तीन तो आ गई। सो गाइस अभी हम लोग गेठाना में घूम चुके हैं और हमने मच्छी भी फाइनली पकड़ ली थी, ऊपर कोशिश की वहाँ नहीं मिली, यहाँ भी कोशिश की, बाद में टप के थ्रू ने पकड़ा। और आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है हमें बताइए कमेंट में और वीडियो को लाइक कीजिए। अभी देखते हैं इस ब्लॉग में आगे वो वासुदेव का मंदिर जाने का, तो आज के बाद प्लान कैंसिल हो गया, भगवान वासुदेव अगली बार जरूर आएंगे, इस बार तो टाइम ज़्यादा हो गया, फिर वहाँ जाने में लग जाएगा। चलो फिलहाल अभी देखते हैं इस ब्लॉग में आगे क्या रहता है, आप ब्लॉग में बने रहिए। थैंक यू सो मच रवि भाई, कैसा लगा तुझे आज? दिस इज द स्पीचलेस जर्नी, ओके, आई कांट एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स, ओके, आई कांट अफोर्ड तो चलो ठीक है, वो तो पहले से ही है। वो तो अंडरस्टूड है, वो तो अंडरस्टूड है, वो तो अंडरस्टूड है, पर आज मैंने इसमें एक्सप्लेन भी ऐड कर दिया है। ओके थैंक यू सो मच। एंड अनु तू बता, बहुत अच्छी जर्नी थी हमारी ये। अच्छा अच्छा लगा यहाँ पे आके आज के दिन, रोबिन का स्पीचलेस सपोर्ट था। हमने जीवन भर क्या किया नहीं अड़ी भाई, डोंट टेक इट एज अ नेगेटिव। ओके तो ककड़ी को काटने के लिए सबसे पहले हम इसका या ज्यादा वो कर दे तो न्यारी इतना ब्रांड हो जाएगा, तो ऊपर से वो तो कर ले इसमें यार, कड़वी नहीं होती है ये। अच्छा। कड़वी नहीं होती भाई, इसका कोई सीन नहीं होता कड़वी का, बाघ है जहाँ से हम आए, बाघ बाघ चीता शेर कह रहा उस जगह से मत आना, उधर बाघ है, किधर जहाँ हम जाएंगे अब, जिधर से भी आए इसको व्हाट्सएप आया ना बाघ का भाई। गाइस अरे देखिए ये देख सौरभ आया ऐसे फाड़ते हैं, अरे बीजी तो है इसका टेस्ट, नमक लगाया सर घर का नमक। ये तो ब्लॉग नहीं खत्म, जब पैसा आएगा तब हम कुछ नहीं कहेंगे नहीं भाई। फाइनली अभी चौमिन वगैरह खाने के बाद हमने पीछे अपनी गाड़ी पार्क कर ली है और साथ ही साथ इसमें हमने कल सुबह जो भी हमारा सामान जाएगा, आलू के कट्टा लहसुन का कट्टा, वो भी हमने डिग्गी में डाल दिया ताकि सुबह हमारा टाइम बचे और सुबह लाने में दिक्कत ना हो। तो गाइज अभी हम लोग इस ब्लॉग को एंड करेंगे और आपको कैसा लगा ये ब्लॉग हमें कमेंट में बताइए, और कल ब्लॉग हो सकता है आए या ना आए, कल हम टीडी डे में जाएंगे, तो आप लोग अगर ब्लॉग होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर नहीं हुआ तो देखते हैं कल टीडी डे में जाएंगे हम लोग। गाइज ये बंदा देखिए वीडियो कॉल कर रहा है, दिखा भाई बोलो, अंकित भैया बोलो, नाम बताओ चैनल का नाम।